हेलो एवरीवन आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियो रिसीवर की और जिस रेडियो रिसीवर की हम बात कर रहे हैं उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है ये आपने जरूर से अपने नाना जी या दादा जी के पास जरूर देखा होगा ये फिलिप का रेडियो जो कि प्रायः सभी घरों में रहता था और इसे ही हम रेडियो रिसीवर कहते हैं जिसमें ये जो स्पेस है ये दिख रहा है स्पीकर का और यहाँ पर ये ट्यूनर है जो कि चैनल सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वॉल्यूम और ट्यूनिंग के लिए प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए ये दो जो स्विचेस uh, हैं uh, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है तो हम इसकी ही चर्चा करेंगे जो रेडियो रिसीवर जो कि दिखने में कुछ इस तरीके से होता है आज के डेट में अब ये uh, जो कंप्लीट सर्किटरी है इसके अंदर का स्ट्रक्चर वो सेमीकंडक्टिंग uh, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिनिमाइज होकर के अब ये बहुत ही छोटा रेडियो रिसीवर के फॉर्म में अब एक मोबाइल के अंदर इनबिल्ट हो जाता है लेकिन हम बेसिक uh, बिगिनिंग से बात कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम बात करेंगे और हम इस रेडियो रिसीवर की चर्चा करेंगे और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे चलिए देखते हैं कि ये रेडियो रिसीवर काम क्या करता है तो इसका बेसिक काम है रिकवरी ऑफ बेस बैंड सिग्नल बेस बैंड सिग्नल मीन्स ऑडियो सिग्नल मैसेज सिग्नल जो कि रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में आ, माइक के जरिए इंफॉर्मेशन सिग्नल या वॉइस सिग्नल या म्यूजिक सिग्नल जिसे हम इंफॉर्मेशन के तौर पर माइक से लेते हैं और आ, उसे माइक कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और फाइनली वो मॉड्यूलेट होकर के एंटीना के जरिए ट्रांसमीटर के जरिए वो ट्रांसमिट होता है एयर स्पेस में तो उस बेसबेंड uh, सिग्नल को उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को रिकवर करने का काम करता है ये रेडियो रिसीवर यहाँ अगर मैं इसको इसके फंक्शन को एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ देखिए ये रिसीवर सेट है और ये रिसीवर सेट को जो इनपुट मिलता है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करके जिसका पिक्चर डायग्राम कुछ इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम टाइम डोमेन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं you <laughs> तो इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीवर रिसीव receive करता है और आउटपुट में प्रोवाइड करता है ओनली द इंफॉर्मेशन सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल जो कि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन केस में इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से एक्सट्रैक्ट किया गया यहाँ पे देखिए दिस इज द एनवेल दिस इज द एनवेलप और यही एनवेलप जो है एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ पर ये साइनोसॉइडल वेव मैसेज सिग्नल हमें मिला है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए प्रैक्टिकली सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड एंड दैट इज द मल्टीटोन सिग्नल तो हमको यहाँ पर मल्टीटोन सिग्नल्स मिलेंगे मीन्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हम एक्सट्रेक्ट कर सकते हैं तो चलिए इस रेडियो रिसीवर की बात को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और जब हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये नीचे की तरफ में ये जो ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ये जो है पर्टिकुलर दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेडियो रिसीवर इतने सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो ब्लॉक्स हैं या इंटरनल सर्किटरी में ये सभी इलेक्ट्रॉनिक uh, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो रिसीवर में और आपको बता दूं कि ये जो ए एम ट्रांसमिशन टावर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर टावर जिसके एंटीना से ओमनी डायरेक्शनल में चारों दिशाओं में रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में ट्रैवल करती हैं इस फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहे रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमारा जो रेडियो सेट है जिसे हम ए एम रेडियो रिसीवर कहते हैं वो रिसीव करता है और बिल्कुल इस तरीके से ये सिग्नल्स यहाँ पर आ रही हैं और हमारा जो रेडियो सेट है उसका जो रेडियो एंटीना है वो रेडियो एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को रिसीव करके उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और यहाँ पर रेडियो एंटीना से जो आ रही हैं सिग्नल्स ये ये यहाँ पर रेडियो एंटीना का सिम्बल नहीं बनाया गया है बट आप ये एज्यूम कीजिए कि सबसे पहला जो पार्ट है वो रेडियो एंटीना का इस पर्टिकुलर रेडियो सेट में ये एंटीना नहीं दिखाया गया है मैं आपको बता दूं कि एक एंटीना एक वर्टिकल लाइन जैसा स्ट्रक्चर रेडियो में हुआ करता था और उसे हम रेडियो एंटीना करते थे और वो रेडियो एंटीना सेलेक्ट करता है मैं इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रेडियो इसमें ये एक स्ट्रक्चर हुआ करता था और वो उस के टॉप पोजीशन में एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हुआ करता था जो क्या करता था एंटीना जो है रेडियो वेव्स जो कि ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होकर फ्री स्पेस में तैर कर आ रही है उसको रिसीव करता था और एंटीना का, का काम क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था जिसका फ्रीक्वेंसी सेम मॉड्यूलेटेड सिग्नल के फ्रीक्वेंसी और इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो मैग्निट्यूड है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली हुआ करती थी केवल उसका फॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया फेज फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का वेरिएशन बिल्कुल उसी तरीके से होता था ठीक है तो अब ये एंटीना के जरिए जो यहाँ पर रेडियो एंटीना जो मैंने कहा उस रेडियो एंटीना से रिसीव करके सिग्नल सबसे पहले किस ब्लॉक में जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ब्लॉक में और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ब्लॉक है यहां देखिए दो ब्लॉक में दिखा रही हूं एक है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एम्पलीफायर मीन चूंकि ये स्पेस में ट्रेवल करता हुआ जब सिग्नल आता है तो उसका एम्पलीट्यूड वीक हो जाता है तो सबसे पहले ब्लॉक में उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम किया जाता है और चूंकि जो सिग्नल आ रही होती है एंटीना के जरिए वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होती है इसलिए हम सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद एक सेकेंड ब्लॉक आप देख रहे हो ये है मिक्सर मिक्सर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि क्या काम करता है दो सिग्नल्स को कंबाइन करने का काम करता है मिक्सर का जैसे नाम हमको समझ आ रहा है मिक्स करना तो ये दो सिग्नल को कंबाइन करता अब वो दो सिग्नल कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम पहला सिग्नल है एम्पलीफाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और दूसरा सिग्नल है जो कि लोकल ऑसिलेटर से जनरेट uh, किया जाता है है ना? लोकल ऑसिलेटर से जनरेट किया जाता है तो मैं ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को यहाँ पर uh, दिखा रही हूँ रेडियो सेट ये स्पेसिफिक टाइप का है जिसे हम है रिसीवर हम कहते हैं तो ये रिसीवर का डायग्राम है और हेटेरोडाइन का मतलब ही होता है मिक्स करना तो यहाँ पे इस ये नाम कहाँ से आया वो मैं बता दूं कि ये हेटेरोडाइन जो नाम आया वो इस कॉन्सेप्ट से आया कि इस हेटेरोडाइन हेटेरो रिसीवर में एक मिक्सर सर्किट होता है और मिक्सर सर्किट क्या करता है लोकल ऑसिलेटर सर्किट से जनरेटेड uh, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि एंटीना के थ्रू आ रही होती है उसके साथ में कंबाइन करता है लेकिन कंबाइन करने के इस प्रोसेस में यह जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक स्पेसिफिक डिजाइन का होता है कि इस कम कॉम्बिनेशन के जरिए हम अगर कोई चीज को सोचते तो मिक्स करना मतलब ऐड करना लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो रेडियो रिसीवर है और इसका मिक्सर जो सर्किट है वो कंबाइन करने का नहीं बल्कि लोकल ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप उन्नीस की है किलो हर्ट्स माइनस ये सब करके १४८० जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का सिग्नल है इसको जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ४५५ किलो Hertz, ये सिग्नल मिलेगा तो ये ये आपको बहुत ध्यान में रखना है इस चीज का बहुत ध्यान में रखना है कि ये हम जो बात किए हैं हेटेरोडाइन रिसीवर का ये हेटेरोडाइन रिसीवर में जो मिक्सर सर्किट होता है वो दो इनपुट सिग्नल्स लोकल ऑसिलेटर से जनरेटेड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल दोनों को कंबाइन करता है बट यहाँ पे जो इसका कंबाइन करने का तरीका है वो कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट जो है डिफरेंस मिलता है लोकल ऑसिलेटर uh, से जनरेटेड कैरियर सिग्नल माइनस जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेटर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मिलता है और इस डिफरेंस uh, फ्रीक्वेंसी को टेक्निकली कहा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी या बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिक्सर और इसी मिक्सर इसी कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली डिजाइन मिक्सर के जरिए जो हमको एक नया कंपेरेटिवली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल रहा है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोइंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल और लोकल ऑसिलेटर से जनरेटर सर्किट को कंबाइन करके जो हमें आउटपुट दिया वो आउटपुट जो मिल रहा है फोर फोट फिफ्टी फाइव किलो हर्ट्स का ये जो सिग्नल मिल रहा है इसमें इंफॉर्मेशन सिग्नल जो कि फ्री स्पेस से ट्रेवल करके आ रही है कैरियर सिग्नल का uh, के ऊपर कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करके वो इंफॉर्मेशन सिग्नल इट इज होता है उस इंफॉर्मेशन सिग्नल का चूंकि वो 20 टू 20 किलो हर्ट्स के बीच का होता है तो उस अः इंफॉर्मेशन सिग्नल में किसी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं होता ये जो एनवेलप है ये एनवेलप बिल्कुल इसी तरीके का है जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो ट्रेवल करके आ रहा है बिल्कुल उसी तरीके का तो यहाँ ये जो 455 किलो फाइव का जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है और जो 480 का जो 480 किलो का सिग्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का आउटपुट का था ये दोनों के जो एनवेलप है मतलब एम्पलीट्यूड वेरिएशन है जो कि एक्चुअल में बेस बैंड सिग्नल है इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो बिल्कुल सेम होते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि रिसीवर जो है जिसमें हेटेरोइंग प्रोसेस होता है में वहां किसी भी तरीके से मैसेज सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी और मैग्निट्यूड है वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होता है वो बिल्कुल सेफ रहता है मैसेज सिग्नल बिल्कुल सेफ रहता है ठीक है तो अब ये मॉड्यूलेटेड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी जिसे हम बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं अब ये कैरी करेगा सिग्नल इंफॉर्मेशन को और हम यहाँ पर फिर एक और इंटरमीडिएट uh, एम्पलीफायर लगाते हैं और ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जो है ये 455 फिफ्टी किलो इस प्रेजेंटली ब्लॉक डायग्राम के केस में इस 455 किलो के जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको एक बार फिर एम्पलीफाई करता है बूस्टअप करता है अब जो हम स्टेज देख रहे हैं आई एफ एम्पलीफायर का आउटपुट ये जाता है एक डी मॉड्यूलेटर सर्किट को डिटेक्शन मीन्स डी मॉड्यूलेशन विच इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन और यहां आप देख रहे हो कि जो डिटेक्शन प्रोसेस है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेस डी मॉड्यूलेशन में जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का मॉड्युलेशन में हम क्या करते हैं कैरियर के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करते हैं बेसबेंट के अकॉर्डिंगली और डी uh, मॉड्युलेशन में क्या करते हैं मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल मिल रहा है उससे हम बेसबेंट सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं निकालते हैं उससे अलग करते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल और बेसमेंट सिग्नल दोनों को हम अलग अलग करते हैं तो वो किन प्रोसेस के जरिए होता है पहला है रेक्टिफिकेशन और दूसरा है डिटेक्शन ये पर्टिकुलर जो डिटेक्शन स्टेज है ये डायोड डिटेक्शन डायोड डिटेक्टर भी कहलाता है जिसमें हम यहाँ पर डायोड डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन के लिए जैसा कि आप जानते हो रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट्स बाई डायरेक्शनल सिग्नल इंटू यूनि डायरेक्शनल सिग्नल तो आप यहां देख रहे हैं कि जो फोर फिफ्टी फाइव किलो हर्ट्स का ये सिग्नल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस ये बाई डायरेक्शनल है इसके पॉजिटिव एनवेलप भी है और यहाँ के साथ साथ नेगेटिव वेरिएशन भी है तो ये, तो ये जस्ट आप इसका वर्टिकली हाफ पोर्शन आप देख रहे हो रेक्टिफायर uh, के आउटपुट हमको प्रोवाइड करता है जो कि ये यूनी डायरेक्शनल सिग्नल हमें मिलता है के से, और uh, इस, ये ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि हमें सिर्फ ये एनवलप इस एनवलप को हमको एक्सट्रेक्ट करना है जो कि पॉजिटिव हाफ वेव में भी अवेलेबल है निगेटिव हाफ वेव में भी अवेलेबल है तो हम किसी भी एक चाहे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल का इस्तेमाल करके हम इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को एक्सट्रैक्ट किया गया है रेक्टिफायर सर्किट के जरिए अब आप ध्यान से देखिए इस रेक्टिफाइड सिग्नल में दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिख रहा है एक जो डार्क रेड लाइन से आपको दिख रही है दैट इज द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल और ये ऊपर में जो डैश्ड लाइन जो दिख रहा है जिसे मैंने यहां पर ग्रीन से एनिवेल को शो किया था ये है बेसबैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल तो रिसीवर में हमको रिसीव है? है सिग्नल का, का जो वेरिएशन हमें सिर्फ उस वेरिएशन को रिकवर करना है जो कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन सिग्नल है, है तो हम क्या करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं इस रेक्टिफाइड सिग्नल में कॉम्बिनेशन है हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल और वेरी लो फ्रिक्वेंसी ऑडियो सिग्नल का तो हम एक फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो सिग्नल दिस इज द आउटपुट ऑफ फिल्टर तो डिटेक्टर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेजेस इन फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस इज हेल्ड एंड इन द अदर स्टेज इन द सेकेंड स्टेज फिल्टरिंग प्रोसेस इज हेल्ड और फिल्टरिंग के दौरान अगर मैं आपको बताऊं कि आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम एक सिंपल एक कैपेसिटर फिल्टर और कैपेसिटर को हमने क्या किया पैरेलल में हमने कैपेसिटर को लगाया सोर्स के साथ में तो कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सोर्स है यहाँ पर ये सोर्स है या मैं आपको दिखा दू कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये सोर्स है डी सर्किट का और डी सर्किट का जो इनपुट है वो हमको इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के आउटपुट से मिल रहा है यहां पर ये इस तरीके से सर्किट बनाते हैं हम तो ये जो है ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का जो आउटपुट है जो कि डिटेक्टर सर्किट के लिए सोर्स का काम कर रहा है और यहाँ पर जो सिग्नल मिल रहा है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर सिग्नल कैरियर कैरियर प्लस प्लस इंफॉर्मेशन सिग्नल इंफॉर्मेशन और मैसेज सिग्नल है ना इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन और मैसेज सिग्नल इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे जो सिग्नल मिल रही है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी मीन्स ऑडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और ऑडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चूंकि ट्वेंटी हर्ट से टी किलो हर्ट्स की ही रेंज में होता है तो ये जो इनपुट सिग्नल है ये इनपुट सिग्नल के जरिए जो फिल्टर को सिग्नल मिलेगा वो कॉम्बिनेशन है कैरियर फ्रीक्वेंसी और इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अब ये जान रहे हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जबकि इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है और कैपेसिटर जो है जब फिल्टर की तरह काम करता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर अपने में से एसी सिग्नल को पास करता है या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करता है तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर हम इस तरीके से आरसी आरसी फिल्टर का इस्तेमाल करें और हम हम कैपेसिटर को में रेक्टिफायर के आउटपुट के साथ में हम लगाएं तो जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है वो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल ग्राउंड हो जाएगा और जबकि इंफॉर्मेशन सिग्नल ये केवल आउटपुट में मिलेगा तो इस तरीके से जो डिटेक्शन का काम है रिकवरी करने का काम है वो रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट का होता है और फिल्टर सर्किट में अगर हम इस तरीके से स्पेसिफिक कैपेसिटन्स uh, वैल्यू uh, का अगर हम फिल्टर इस्तेमाल करें तो वो एग्जेक्टली कैरियर फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड कर देगा वो अपने में से पास करेगा तो कैरियर फ्रिक्वेंसी सिग्नल ग्राउंड हो जाएगा और हमें आउटपुट में हम आउटपुट को इस तरीके से यहाँ से जब हम इस यहाँ पर आगे की तरफ हम लेंगे तो आउटपुट में हमें uh, आउटपुट में हमें केवल इंफॉर्मेशन सिग्नल मिलेगा हम यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट लेंगे तो हमें केवल इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंसी सिग्नल मिलेगी तो इस तरीके से हमने देखा कि रेक्टिफायर और फिल्टर का इस्तेमाल करके हम डिटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल डिटेक्शन ऑफ बेसबैंड सिग्नल या रिकवरी ऑफ बेसबैंड सिग्नल हम पूरी तरीके से कर लेते हैं और फिर वो जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल सर्किट में आ, के जरिए पास होगा और चूंकि ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है तो ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਕ वाले ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि डिटेक्टर का आउटपुट था उसको एक बार फिर बुस्टप करेगा एम्पलीफाई करेगा और फिर हमें स्पीकर को देने के पहले बुस्ट करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है चूंकि जो कि स्पीकर है लाउड स्पीकर हम कहते हैं लाउड स्पीकर इज अगेन अ ट्रांसड्यूसर और ये जो ट्रांसड्यूसर है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है यहाँ पर देखिये ये बेसबेंट सिग्नल को रिसीव करेगा और इस बेसबेंट सिग्नल जो कि ट्रांस है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको रिसीव करके वो साउंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट तो uh, करता है साउंड एनर्जी जो कि एयर वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं जिसे हम अपने कानों के जरिए सुनते हैं तो इस तरीके से ये कंप्लीट रेडियो रिसीवर ए एम रेडियो रिसीवर का कॉन्सेप्ट था जिसमें स्पेसिफिक हमने स्टडी किया रिसीवर का और इस कंप्लीट जो थ्योरी है रिकवरी ऑफ़ सिग्नल की ये कंप्लीट थ्योरी इस पर्टिकुलर स्लाइड में दिखाया गया है आप इस वीडियो को पॉज करके इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं और अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका इस्तेमाल करिएगा जरूर से और इस तरीके से हम एंड करते हैं इस वीडियो लेक्चर का जिसमें हमने स्टडी किया ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेडियो रिसीवर एंड दिस इज द रेडियो सेट जो आपके दादाजी नाना जी बरसों इस्तेमाल किए हैं और बहुत ये जीवन दाईनी रेडियो सेट हुआ करता था हमारे लाइफ का है ना तो इसके जरिए रिकवरी ऑफ बेस बैंड सिग्नल हमने देखा रेडियो रिसीवर के माध्यम से थैंक यू